एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि ये नहीं होता कि कुछ चोरी करके ले गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं? मैं हूं अहमद हसन हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दिल्ली के मरकज में जाना है और दूसरा वो जो है ना शेर आपको सुनाते हैं कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। अदब तो जो है ना वो हमें भी काफी आता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने ना बड़ी अजीब बात की है। तो ये मैं यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। अच्छा, हमको सिखा रहा है। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम ना दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। एक अख्तर साहब जो है वो पाकिस्तान में आए हुए थे, तो अदब की जो महफिल से उनका ताल्लुक है काफ़ी अरसे से, हमारे वैज भाई के रिव्यूज लेते हैं, उन्होंने अच्छा बयान नहीं दिया इस बारे में। जावेद अख्तर साहब, आप पहली शख्सियत नहीं है जो इंडिया से पाकिस्तान में तशरीफ लाए हैं। अच्छा, इससे पहले बहुत से लोग आए हैं पाकिस्तान में इंडिया से सैर व तफरी के लिए, किसी और मकसद के लिए। हाँ। लेकिन मुझे आप पे इस बात की हैरानी होती है कि आप लोग अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े अरसे से हम लोग ये नहीं फॉलो करते हैं इंडिया में भी। हम भी अदब के लिहाज से एहतराम करते हैं लोगों का। कोई एक आधा शेर सुनाऊंगा कि पता चले। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। जो शख्स आपको इज्जत देता है ना, उसको इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, जो आपको इज्जत नहीं देता उसको चाहे आप दो या ना दो। अब उन्होंने लोगों ने उसके साथ जो तस्वीरें बनवाई हैं, किसी ने उसके घुटने पे सर रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो इतनी यानी यहाँ तक इज्जत दे दी है लड़कियों ने ना, उसके घुटने पे सर रखा। ये रियलिटी ये है कि इंडियन मूवीज के अंदर जो कुछ दिखाया जाता है ना, तो ये एक प्री प्लान होता है। ऐसे ही अगर वो ये बात यहाँ पे ना करते, उनको पता नहीं इंडिया में जाने ना देते वापस। ये हमारे शहर का लाइब्रेरी पार्क है, इसके पास ही एक लाइब्रेरी है, जिस वजह से इसे लाइब्रेरी पार्क बोलते हैं। ये बिल्कुल गुंजान आबाद इलाके में पार्क बना हुआ है, ये हमारे शहर के बिल्कुल दरमियान में। तो इसमें फैमिली टाइम भी है, यानी फैमिलीज़ वगैरह आती हैं, और उसके अलावा बाकी आम रूटीन में लोग बैठते भी हैं। जनाजा के टाइम पर जनाजा वगैरह भी होता है यहाँ पर, और बच्चे वगैरह खेल भी रहे होते हैं दिन में। ये भाई हमें फ्रूट लेने, वो कहते हैं कि चेक कर ले मीठा है कि नहीं, फौरी फिर भाई हम चेक कर लेते थे, लेकिन जो है कुछ चीज़ें महंगी भी थी, वो नहीं फिर चेक करवाते। यार ये तो मैं चेक करवाया नहीं, पता नहीं कैसे। अच्छा, तो हम पहुंच चुके हैं तबलीगी मरकज, और यहाँ पर जो है ना जी, अभी हम जाएंगे अंदर, बाइक वगैरह हमने पार्क कर दी है, तो अभी अंदर जाकर इंशाल्लाह ताला बयान सुनते हैं। अभी मगरिब की नमाज हमारी रहती है, पहले मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। ये हमारे शहर का बड़ा तबलीगी मरकज है, यहाँ पर दूसरे शहर से जमातें आती हैं, फिर बाकी मस्जिदों में जाती हैं। उसके अलावा जो है अवैस भाई के पिछले हफ्ते जूते चोरी हो गए थे, चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये नहीं होता कि कुछ चोरी करके ले गए। तो यहाँ पर बड़ा रश होता है। हाँ, उधर कमरे का टोकन मिलेगा। बिल्कुल, मोटरसाइकिल वाले को जूतों वाला दे देना, जूतों वाले को मोटरसाइकिल वाला दे। सही है, दे दिया ना मैंने आपको। हाँ जी, मेरे पास है। बाइक की पार्किंग हो गई है, अब जो है ना जूतों की पार्किंग करेंगे, जूते पार्क करके फिर उसके बाद वजू करेंगे।
और वजू करने के बाद नमाज अदा करके फिर इंशाल्लाह ताला ध्यान शुरू हो जाएगा, ध्यान सुनेंगे। 34 गट्ठे रख देते हैं, खाना छोटा है। चलो ठीक, चलो ठीक, अल्लाह ताला। 22 मगरिब के बाद लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर इशा के बाद फिर दोबारा बयान होता है, पहले इशा से पहले होता है, फिर इशा के बाद होता है, फिर उसके बाद खाना होता है, खाने के बाद जो है वो फिर रवानगी होती है। वो अभी जो है मैंने भी जमात से पढ़ी है, वैसे भी जमात से पढ़ी है, इन्होंने अलग जमात से पढ़ी है, मैंने अलग जमात से पढ़ी है, माशाल्लाह हर टाइम ही जमातें आती रहती हैं यहाँ पर जुमेरात हो, लेकिन स्पेशली अब सबको जमात से नमाज पढ़ने का मौका मिल जाता है अगर निकल भी जाए मेरी जमात। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा का ज़हन मालूम करना चाहते थे कि कहीं इन्होंने ईमान के बोल ही को ईमान तो नहीं समझ लिया, तुमने जिस चीज को ईमान समझ के एक दावा किया कि हम मोमिन हैं। अच्छा ये गूंगे बहरे बैठे हुए हैं, इनकी जमात है, तो इनको ये जो है बयान हो रहा है वो साथ साथ उनकी लैंग्वेज में इशारों से समझा रहे हैं जो जो बात हो रही है। तकरीबन कोई 12-13 साल से तो मैं इन्हें देख रहा हूँ, ये यहाँ पर ना इनको तालीम देते हैं माशाल्लाह से। तो रात को ईशा की नमाज़ पढ़ के आ गए थे घर, तो अंधेरा हो गया था, मैंने कहा अंधेरे में पता नहीं व्लॉगिंग सही होती है या नहीं होती। तो उसके बाद जो है वैसे अब सर्दियां चली गई हैं और गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, मुझे लग रहा है प्रॉपर स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ना ये अपना गर्मी का सूट है, यानी कि कॉटन का सूट है, तो गर्मी ऐसे लग रहा है कि स्टार्ट हो चुकी है, सर्दी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, नहीं चली गई है। रात को हल्की फुल्की सी ठंडी ठंडी हवा होती है। इंसान को अल्लाह अल्लाह करते रहना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे बंदा, और अल्लाह की बातें जो है ना वो इंसान को अगर सुनी हुई बात भी है तो वो बार बार करनी चाहिए, ताकि इंसान की जो शख्सियत है ना वो रिफ़ाइन होती रहे, ज़ेहन-नशीन होती रहे बातें। और दूसरा जुमा है तो कब्रिस्तान भी जाना है दादी अम्मा की कब्र पर, उनके लिए दुआ भी करनी है, दुआ तो कहीं से भी बंदा कर सकता है लेकिन कब्रिस्तान जाना है। अस्सलामु अलैकुम यार कुबूर, ये किसी ने सदके का कोई यहाँ पर डाला हुआ है कब्रिस्तान में। अच्छा वैसे दादी अम्मा की कब्र और यहाँ पर दादा अबू की भी, दादी अम्मा की दोनों की कब्र जो है ना यहाँ पर। ओके जी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ आपको जल्द अज़ जल्द मिलती रहें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया जी।